हेलो दोस्तों, अगर आप 15x40 में 2 बेडरूम के साथ मकान देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही प्लान देख रहे हैं। पूरा डिटेल मैं समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, 15 फीट इसका फ्रंट है और टोटल जो गहराण है 40 फीट है, मतलब टोटल जो लेंथ है वो 40 फीट है। 15x40 में आपको 2 बेडरूम, एक किचन, यहाँ सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बाथरूम सीढ़ी वगैरह मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो अब ज़्यादा ज़्यादा देरी न करते हुए आपको कॉलम वगैरह हम समझा देते हैं कि कितने कॉलम्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये आपके कॉलम जो हैं 10 फिट हाइट पे हमको करके आपको शो कर दे रहे हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि 10 फिट हाइट पे आपका ये कॉलम्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक पूरे आपके कॉलम्स हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक है कि यहाँ इस पॉइंट पे भी आपको कॉलम देना पड़ेगा। यहाँ इस पॉइंट पे भी 9 इंच हमने कॉलम का जो साइज रखा है 9x9, आप 10x10 भी समझ सकते हैं या फिर 9x9 समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस साइज में कॉलम्स हमने रखे हैं। ठीक है, ये आपके ये कॉलम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी का लोड एक्स्ट्रा रहेगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे कंक्रीट, क्योंकि सीढ़ी आपकी कंक्रीट की रहेगी और हर फ्लोर पे यहाँ पे लोड आएगा, इसको प्रिकॉशन के लिए, इसके सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे कॉलम्स देने होंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग्स, जब भी आप कन्विंस करते हैं कुछ भी सामान वगैरह मूव करते हैं सीढ़ी पर, तो इस जगह पे लोड आता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको देना रहता है। ठीक है, तो आप कॉलम्स एक बार काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 कॉलम्स आपको यहाँ पे देने होंगे। इट में भी अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो यहाँ इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, किनारे वाले पॉइंट पे आप 2 कॉलम और दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाहर की दीवार 9 इंची की है, 9 इंची का जो वॉल का फंक्शन होता है वो लोड बियरिंग का फंक्शन होता है, 4 इंची की वॉल पे उतना लोड नहीं बियर कर सकता, तो इसकी प्रिकॉशन के लिए आपको 2 कॉलम और दे सकते हैं अगर आपको जरूरी है, अगर आप इसको 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक ही फ्लोर है, उसी के हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो कॉलम्स आपके हो गए। अब बाहर की दीवार को हमने यहाँ पे 9 इंची रखा है और अंदर की जो दीवार है उसको 5 इंची रखा है, तो बाहर की दीवार को यहाँ पे 9 इंची का मैं उठा देता हूँ, हाइट पे करके आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी बाहर की दीवार और अंदर की दीवार दोनों जो है 5 इंची की आपकी, या 4 इंची या 5 इंची आप बोल सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, परफेक्ट, ये आपका समथिंग यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब एक बार मैं जो कुर्सी है इसका, जो भी मकान की कुर्सी लेवल है, उसको मैं एक बार कट करके शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका कुर्सी लेवल हो जाएगा। ये आपका कुर्सी लेवल, कुर्सी का जो हाइट रखा है यहाँ पे 2.5 फीट ही रखा है, आप अपने हिसाब से 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट आप रख सकते हैं, बस जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए यहाँ पे कुर्सी का हाइट 2.5 फीट रखा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है एक साइड में, तीन साइड से जो प्लॉट है ये क्लोज है, दूसरे की प्रॉपर्टी से बंद है तीनों साइड से, तो यहाँ पे बाएं दाएं बाएं और बैक में आप विंडो नहीं दे सकते, जो भी आपको विंडो वगैरह देना है वो आपको अंदर में ही आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दरवाजा वगैरह का भी साइज एक बार कट करके आपको दिखा देते हैं कि हमने दरवाजे का साइज़ क्या रखा है, तो वीडियो पूरा देखें, अभी साइजेस वगैरह भी मैं बताऊंगा कि हर कमरे का साइज वगैरह क्या रखा है। जैसे आप आगे एंट्री करते हैं, ये आपका मेन गेट हो गया, 4 फिट का पैसेज हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहें तो दरवाजा लगाएं या फिर चैनल गेट लगा दें, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, और जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद इस बेडरूम में भी आपको एक यहाँ पर विंडो मैं शो कर देता हूँ, एक विंडो रहेगा। ठीक है, जो कि अंदर में ही आपका ओपन होगा और एक विंडो आपका बाहर साइड में आपका ओपन होगा, ये फ्रंट वाला जो ये वाला हिस्सा है, इस वाली वॉल पे भी एक विंडो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी 2 विंडो इसमें रहेगी, फ्रंट से और एक इस साइड में। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दूसरा बेडरूम मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 3x7 का दरवाजा हो गया और यहाँ पर आपको दूसरा बेडरूम मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे एक और विंडो, इस रूम का विंडो यहाँ पे दिया जाएगा आपका, इस रूम का विंडो जो भी है यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये आपको किचन मिलता है, ये आप देख सकते हैं किचन है, नंबर मेरा शो हो रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई नक्शा अगर बनवाना है। ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये किचन, 1 मिनट की आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्ट,
अच्छा, ये गलत रीडिंग यहाँ पे उठा रहा है। अभी मैं आपको सेकंड प्लान में आपको समझा दूंगा कि किचन का कैसे प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं, फिर भी एक बार दरवाजे को कट करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2.5 फिट का, 2 फिट 6 इंच x 7 फिट, 2.5 फिट का आपको यहाँ पे दरवाजा देना है किचन में, क्योंकि बड़ा सामान तो गुजारना है नहीं, छोटा ही यूजेस के लिए है, तो उसके पर्पज़ से यहाँ पे किचन दिया गया है। और ये आपको विंडो का डिजाइन, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए प्लान को। ये आपको एक बेडरूम मिलेगा, इसके बाद ये दूसरा बेडरूम, इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक किचन मिलेगा। किचन की जो प्लेटफॉर्म है इस पैटर्न पे है, हालांकि क्लाइंट के पास यहाँ पे स्पेस, एक यहाँ पे टास्क था कि इस पॉइंट को, इस एरिया को सीढ़ी और इतना छोटा सा एरिया बचाना है किसी और पर्पज से यूजेज के लिए, हालांकि उनको किचन यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा किचन ऐड कर दिया आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। इससे यहाँ पे वो स्टोर बनाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको किचन भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तब सीढ़ी आती है, सीढ़ी हमने इस तरीके से पैटर्न बनाया है डॉग लेग में, आप सीधा जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अभी मैं आपको आगे पूरा प्लान बना करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा पूरा प्लान बनने के बाद, ठीक है। ये आपको पहला पैसेज रहेगा, ये बेडरूम, दूसरा बेडरूम, इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको किचन। अब बात आती है सीढ़ी का, सीढ़ी आप देख लीजिए इस तरीके से आपकी सीढ़ी रहेगी। सीढ़ी के नीचे ही आपको टॉयलेट बाथरूम देना होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। क्लाइंट को एक्चुअली चाहिए था कि उनको टॉयलेट और बाथरूम दोनों अलग अलग चाहिए था। अगर आप अलग अलग बनवाते हैं तो अलग अलग थोड़ा सा मुश्किल है बना पाना, ठीक है। क्योंकि मुश्किल ऐसे है कि यहाँ पे सीढ़ी के सामने अगर हम यहाँ पे टॉयलेट या बाथरूम यहाँ बनाते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे हमको जाने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 फिट हाइट, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम 4 फिट का यहाँ पे बाथरूम में टॉयलेट बना रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर 3.5 फिट हमको मिल रहा है मान लीजिए, तो इसके आगे तो हम यहाँ दीवार खड़ी कर देंगे, तो यहाँ पे हम बाथरूम में कैसे जाएंगे, नीचे जो सीढ़ी के नीचे जो टॉयलेट रहेगा उसके नीचे कैसे जाएंगे। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि टॉयलेट जो है आप सीढ़ी के नीचे बना लीजिए, ठीक है। सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना लीजिए और यहाँ पे आगे बाथरूम बना लीजिए, ठीक है। टॉयलेट पीछे रहेगा, बाथरूम आगे रहेगा, एक दीवार लगा के आप एक मतलब थोड़ा सा राउंड करके उसमें कर्टन वगैरह लगा देंगे तो थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके ये वाला हिस्सा थोड़ा आपको 4 फिट एक्स्ट्रा होता, यहाँ पे 4 फिट और बड़ा होता तो आप बना सकते थे, यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे 4 फिट स्पेस आपके पास नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं साइजेस वगैरह आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। साइजेस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं भाई, मैं 15x40 में ही बनाया हूँ, कितने बनाए देख सकते हैं, 15 फिट इसकी चौड़ाई है और 40 फिट इसकी टोटल लंबाई है, 15x40 में आपका प्लान है। और ये बेडरूम 13 फिट हो गया, 13x9 फिट 2 इंच का आपका बेडरूम हो जाएगा ये वाला। इसके बाद ये दूसरा बेडरूम आपको 13x9 फिट 2 इंच, ठीक है, ये भी सेम साइज है। ये जो स्टोर रूम है, आप इसको स्टोर बोल सकते हैं या फिर किचन बोल सकते हैं, ये आपका 5x7.5 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको तो आप चाहे किचन बना सकते हैं। उसके बाद आता है सीढ़ी, सीढ़ी आप देख सकते हैं 6.5 फिट और लंबाई हमने जो लिया है 9 फिट 8 इंच में आपका सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ पे आपकी जो लैंडिंग रहेगी इस तरीके से थोड़ा कट करना पड़ेगा ताकि आप आराम से यहाँ पे इसके नीचे दरवाजा वगैरह दे सकते हैं, टॉयलेट वगैरह का हाइट आपको प्रॉपर मिल जाए दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल। और गलियारे की बात करें तो आप देख सकते हैं 4 फीट आपका गली दिया गया दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तब तक